बड़ी खबर साउथ कश्मीर से आ रही है। ये साउथ कश्मीर के पुलवामा इलाके की खबर है। आज सुबह लगभग कोई 5 से 6 बजे के करीब कुछ आतंकियों के होने की खबर आई थी सिक्योरिटी फोर्सेस को, जिसके बाद एक जॉइंट ऑपरेशन में एक बड़ा एनकाउंटर चलाया गया, जिसके अंदर आर्मी, सीआरपीएफ, वीएसओजी के जवानों ने एक जॉइंट ऑपरेशन के अंदर 2 से 3 आतंकवादियों को पुलवामा इलाका, जो कि खारपोरा इलाका है सैरूना इलाके का, तो इस इलाके की घेराबंदी कर दी। जहां पर शुरुआत में तो ये खबर आ रही थी कि 2 से 3 आतंकवादी हो सकते हैं, लेकिन अभी जो एनकाउंटर ख़त्म हुआ है, इस एनकाउंटर के ख़त्म होने के बाद ये बड़ी खबर आ रही है कि 3 आतंकवादी मारे गए हैं, और 3 आतंकवादियों के अंदर एक वो आतंकवादी मारा गया है। आपको याद होगा 2017 में एक टेरिटोरियल आर्मी 173 का जो है एक आर्मी का जवान जो है मिलिटेंसी ज्वाइन कर गया था। ये वही आतंकवादी जो बना था जहूर अहमद ठोकर, ये मारा गया है, जो कि हिजबुल मुजाहिदीन जो ज्वाइन कर गया था, और हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर की इसको जो है वहाँ पर कमांडर कहा जाता था, और काफ़ी सारे बड़े आतंकी हमलों में भी इन्वॉल्व था। जिसके साथ साथ खबर ये भी आ रही है कि ये जो आतंकवादी मारा गया है, इसके साथ साथ 2 और आतंकवादी मारे गए हैं, जो दोनों भी लोकल आतंकवादी हैं। अब आपको मैं ये बताना चाहूँगा, ये एनकाउंटर के चलते ही वहाँ पर जो है लोकल सिविलियंस द्वारा जो है पत्थरबाजी भी की गई सिक्योरिटी फोर्सेस को के ऊपर, जिसी बीच में एक लोकल सिविलियन भी मारा गया है, जिसकी अभी पूरी तरह से मैं आपको बताना चाहूँगा। उसका नाम आमिर अहमद पल्ला है, जो कि अशमिंदर विलेज जो है पुलवामा का वहाँ का रहने वाला था। ये सिक्योरिटी फोर्सेस पे पत्थरबाजी कर रहा था, और इसी बीच में ये युवक भी मारा गया है। लेकिन बड़ी खबर ये है, पुलवामा के खरपोरा इलाके से 3 आतंकवादी इसमें जो है मारे गए हैं, जिसके अंदर एक आतंकवादी जहूर ठोकर है, जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा 2017 में टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन कर गया था। ये हिजबुल मुजाहिदीन का आउटफिट इसने ज्वाइन किया था, और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा ये 173 टेरिटोरियल आर्मी का था, और ये मिसिंग हो गया था एक राइफ़ल और एम्यूनिशन लेके, जिसके बीच में बाद में ये खबर आई थी कि ये आतंकवादी गुट हिजबुल मुजाहिदीन को ज्वाइन कर गया है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो जहूर अहमद ठोकर है, ये 173 आर्मी टेरिटोरियल आर्मी का जवान था, और इसके साथ साथ ये लगभग AK-47 और कुछ एम्यूनिशन के साथ जो है मिसिंग हो गया था, और हिजबुल का जो ग्रुप है वो ज्वाइन कर गया था, और हिजबुल के ग्रुप ने ये माना था कि ये जो जहूर अहमद ठोकर है ये हमारे साथ ज्वाइन कर गया है, और उसके साथ साथ कुछ तस्वीरें भी वायरल हुई थी इसकी, और एक स्टेटमेंट भी जारी हुई थी जो कि सलीम हाशमी, जो कि एक हिजबुल का स्पोक्सपर्सन है, उसने ये कहा था कि मिलिटेंट रैंक जो है जहूर अहमद ने ज्वाइन किया है, और ये भी कहा था कि वो अलकायदा और ISIS ग्रुप के साथ भी जुड़ा होने की खबर आ रही थी, जो उन्होंने नकारा था, और उन्होंने कहा था कि ये सिर्फ हिजबुल के ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है। और जब ये मिसिंग हुआ था, उसके बाद एक और बड़ी चीज़ ये भी देखने को मिली थी कि ये आतंकवादी गुट क्यों ज्वाइन कर गया, टेरिटोरियल आर्मी का जवान, और इसके साथ साथ अपने साथ एक राइफ़ल और कुछ एम्यूनिशन लेके भी फरार हुआ था। ये जो जहूर अहमद ठोकर है, ये 2017 में जब आतंकवादी गुट हिजबुल ज्वाइन किया था, उसके बाद से ही काफ़ी एक्टिवली काम कर रहा था, और इसको उस इलाके का हिजबुल का कमांडर का भी रैंक दे दिया गया था, और आखिरकार आज 3 आतंकवादियों के बीच में ये भी मारा गया है। और बड़ी खबर यह है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बड़ा एनकाउंटर किया, और इसके अंदर ये 3 आतंकवादी बड़े थोड़े से ही समय में इस एनकाउंटर को सरंजाम भी दिया, और इसके अंदर एक सिविलियन के भी मारे जाने की खबर है, जो कि पत्थरबाजी कर रहा था सिक्योरिटी फोर्सेस पे, और उसी बीच में वो सिविलियन भी मारा गया है। अभी तक और खबर ये भी आ रही है कि 2 आर्मी के जवान भी इसके अंदर घायल हुए हैं। अभी फ़िलहाल सिक्योरिटी फोर्सेस ने लोकल लोगों को वहाँ जाने से मना किया है, और एनकाउंटर साइट पे नहीं जाने के लिए बोला है, क्योंकि कुछ IEDs या फिर कुछ ग्रेनेड्स भी हो सकते हैं जो इन आतंकवादियों द्वारा वहाँ पर प्लांट किए गए हों, और फ़िलहाल कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगा दी गई हैं, इंटरनेट सर्विसेज भी बंद कर दी गई हैं इलाके से, और थोड़े बहुत क्लैशेस की भी खबर आ रही है। ये पूरी अभी तक की जानकारी है जो खारपोरा इलाका पुलवामा साउथ कश्मीर से है, जहां पर 3 आतंकवादी मारे गए हैं, जिनमें से एक टेरिटोरियल आर्मी का जवान, जो कि मिलिटेंसी ज्वाइन कर गया था हिजबुल मुजाहिदीन, वो भी मारा गया है, जहूर अहमद ठोकर।
अब मैं एक बात आखिर में ज़रूर कहना चाहूँगा, आतंकवाद में कुछ नहीं रखा। कल एक मैंने इंटरव्यू में एक एक्स मिलिटेंट से भी बात की थी और उसने ये भी कहा था, जो अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इलेक्शन भी लड़ चुका है, उसका ये कहना था कि इस चीज़ में कुछ नहीं रखा। और जो जिहाद के नाम पे ये आतंकवादी लड़ाई लड़ते हैं, ये जिहाद जो है ये नहीं सिखाता कि आप बंदूक उठाएं या फिर किसी के हत्या करें या फिर आप आतंकी हमले करें, ये जिहाद बिल्कुल नहीं सिखाता। इसलिए जिहाद की जो डेफिनेशन है वो कुछ गुटों द्वारा गलत उसकी परसेप्शन बनाई गई है, उससे बाहर निकलें और जो युवक आतंकवाद के रास्ते में जा चुके हैं मेन स्ट्रीम में आ जाएं, ताकि मेन स्ट्रीम में आके वो अपने आप को रिहैबिलिटेट कर सकें और एक अच्छे तरीके से बंदूक की जगह कलम उठाएं या फिर बाकी काफ़ी सारी स्ट्रीम्स हैं उनके साथ जुड़ें और अपने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करें। बड़ी खबर ये है, 3 आतंकवादी साउथ कश्मीर पुलवामा इलाके में मारे गए हैं, जिसमें एक बड़ा हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर जहूर अहमद ठोकर भी मारा गया है। आप लोग देखते रहें JK मीडिया।